कि 1950 में जो हिंदी फिल्मों की जो बॉम्बे के अंदर टॉप 10 हीरोइन थी उनमें 5 मुसलमान थी। मैंने नाम नोट करके रखे हैं मनीष जी कि 1970 में मनीष जी जो 10 टॉप की हीरोइन थी उनमें 6 मुसलमान थी। 80 के बाद कोई मुसलमान लड़की हीरोइन क्यों नहीं बनी? क्या ऐसा क्या कारण हो गया कि उनको कहीं जगह ही नहीं मिली? 1950 से 1980 तक अगर आप आ जाइए तो केवल एक मुसलमान हीरो था मनीष जी। मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 10 की बात करें। कुछ लोग अब बॉलीवुड में चर्चा हो रही कि दरअसल दाऊद से इसका एक फर्जी लड़ाई दिखाया गया, दरअसल ये दाऊद का ही चंपू था और दाऊद ने अपने पूरे गैंग जो है इसको सौंपे, इसीलिए खानवुड का प्रभाव रहा। 80 के दशक के बाद जो बॉलीवुड में जो बदलाव हुआ दाऊद के बाद, दाऊद के जाने के बाद इसे सुपारी मिली, तो समझ में आता कि कैसे ये जिहादी वुड बना, ये बॉलीवुड कैसे जिहादी वुड बना, जरा इसे बताइए। आज जरा एक तथ्य दर्शकों से बताऊंगा, उसको आप बड़े अच्छे समझ लेंगे कि 1950 में जो हिंदी फिल्मों की जो बॉम्बे के अंदर टॉप 10 हीरोइन थी उनमें 5 मुसलमान थी। मैंने नाम नोट करके रखे हैं मनीष जी, जरा आप गौर करिए कि यानी 50% हीरोइन मुसलमान थी। उनका नाम तो मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी, सुरैया और निम्मी। ये 1950 से 1960 का जो दशक था उसमें जो टॉप 10 थी उनमें ये 5 थी। और उसके बाद जो 1970 आ जाइए यानी आखिरी दशक पे आ रहा हूं कि 1970 में मनीष जी जो 10 टॉप की हीरोइन थी उनमें 6 मुसलमान थी। उनके भी नाम बता दे रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि मैं किसकी किनकी बात कर रहा हूं। ये उसमें जीनत अमान, परवीन बाबी, सवाना आजमी, मुमताज, रीना राय और फरीदा जलाल, ये उन 10 में नाम में ये हैं। तो आप सोचिए कि जो दशक 50 के दशक में जो 5 थी वो संख्या 1970 से 80 के दशक में 6 हो गई थी। लेकिन ये आपको बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहा हूं, तो पहले ये याद रखिए कि 1970 से 80 के बीच में 6 हीरोइनें थी जो टॉप 10 में थी, लेकिन 80 के बाद 2024 में बड़ा चौंकेंगे आप कि उसके बाद से कोई मुसलमान हीरोइन है ही नहीं बनी। ये ऐसा कौन सा प्रयोग हो गया जो 1950 में भी था, 1970 में भी था और बकायदे 70 में तो 60% हो गया था। 80 के बाद कोई मुसलमान लड़की हीरोइन क्यों नहीं बनी? क्या ऐसा क्या कारण हो गया कि उनको कहीं जगह ही नहीं मिली? लेकिन उसके बाद जो उलट हुआ वो और चौंकाने वाला है कि 1950 से 1980 तक अगर आप आ जाइए तो केवल एक मुसलमान हीरो था मनीष जी। मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में अगर एक हीरो था जिसका नाम था, वो भी नाम बदल के था, हिंदू नाम से था, यूसुफ खान, जो दिलीप कुमार के नाम से एक्टिंग करता था। तो 1950 से 1980 तक एक आदमी था जो टॉप 10 में था, वो था दिलीप कुमार। लेकिन उसके बाद वही घटता चला आला समझिए 80-85 तक। लेकिन उसके बाद 1990 से 2024 आपको ताजुब होगा कि 1990 से 2024 ना तो एको हीरोइन मुसलमान है। क्यों? मुसलमान लड़कियां गायब क्यों हो गई फिल्म इंडस्ट्री से? इसके पीछे कौन था? तो वो 1990 से वहां पे दाऊद का जो दबदबा चला, दाऊद की जो दहशत चली, तो एक तरह से वो कट्टरपंथी फतवा था कि किसी मुसलमान लड़की को फिल्मों में काम मत करने देना। और उसी का नतीजा है कि 90 से 2024 एक नाम है मनीष जी, हीरोइने हैं कम से कम 40 और वो एक नाम है, वो तब्बू। और वो भी उस तब्बू को भी कहीं आपने एक तरह से स्टैंड करते नहीं देखा होगा, क्योंकि उसको टिकने ही नहीं देना, उसको टिकने ही नहीं देना है मुसलमान लड़की फिल्मों में ना आए। जो मैं टॉप 10 हीरोइन की बात कर रहा हूँ, लोग जाके ढूंढ लेंगे, सर्च कर लेंगे। लेकिन 90 से 2024 ये 4 खान टॉप पे, और ये आज भी टॉप पे बने हुए हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, ये तो सीधे सीधे शुरू के 4 थे। उसके अलावा और अगलम बगलम आते रहते थे, कहीं इरफान आ गया, कहीं नवाजुद्दीन आ गया। तो एक तरह से हिंदी बंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसको पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इन्होंने बना दिया था कि एक यहाँ पे हिंदुओं का देश है तो यहाँ पे मुसलमान लड़की नहीं नाचे गाएगी, लेकिन जेंट्स में सिर्फ मुसलमान ही होंगे, 3-4 जो शुरुआत के 3-4 हैं, और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और सैफ अली खान, इनको आप लोग देख रहे हो कि ये 90 से शुरू हुए और ये आज तक चल रहे हैं। ये 60-60 बरस के हो गए, 65 बरस के हो गए, ये तब भी हीरो बन के आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इनको जबरदस्ती ढोया जा रहा है इस देश में,
और किस तरह से वो दाऊद का सिक्का चल रहा है, क्योंकि दूसरे किसी को पनपने नहीं देना है। और जो लोग पनपे, जो पनपे, जिन्होंने एक तरह से इनके बीच में किसी तरह अपनी जगह बनाई, तो कोई अपने दम पे नहीं बनाई। वो अक्षय कुमार इसलिए पनपा क्योंकि वो राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का दामाद बन गया था, इसलिए उसको ये मार्केट के बाहर नहीं कर पाए। वो सनी देओल को आज तक इन्होंने जमने नहीं दिया, लेकिन सनी देओल क्योंकि धर्मेंद्र का लड़का था तो वो चल गया। तो जो कहीं किसी का कोई कनेक्शन था वो तो चला। अजय देवगन जिसको आप लोग जानते हैं, उसका बाप भी स्टंट मास्टर था, वो नंबर एक पे था, वीरू देवगन था नाम था उसका, तो वो भी किसी तरह अपना चल रहा है। अन्यथा ये मगर ये जितने नाम मैंने गिनाए हिंदू, इनमें से कोई भी शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान, इनको चुनौती नहीं देते। ये उनके बाद वाली लाइन में खड़े हैं, यानी टॉप पे कौन है, वही खान। तो वो खान पिछले 34 साल से एक तरह से बेरोकटोक राज कर रहे हैं। हाँ, अब इधर 10 साल में थोड़ा असर पड़ा है, इस 10 साल में थोड़ी रंगबाजी उनकी कम हुई है, लेकिन उनका बॉलीवुड के अंदर उनका स्थान वैसे ही बरकरार है जैसे उनका 2014 से पहले था। तो आप ये सोचिए कि एक बड़ी सोची समझी सांप्रदायिक एक नीति पे चल रहे थे कि मुसलमान लड़कियों को फिल्मों में काम न करने दो, और हिंदुओं के जो हीरो हैं वो हिंदू नहीं, वहां पे टॉप पे मुसलमान ही होने चाहिए, और वो काम चल रहा है 34 साल से। अन्यथा 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 मनीष जी, ऐसा क्या है कि 1950 के दशक में 50% हीरोइन मुसलमान थी, 70 आया, 70 के दशक में 60% हीरोइन मुसलमान थी जो टॉप के 10 में थी, लेकिन 90 के बाद से 90 से 2024 एक भी मुसलमान लड़की, यानी मुसलमान लड़कियों ने काम करना छोड़ दिया, या मुसलमान लड़की को एक्टिंग करना भूल गई, उनके अंदर सारी कला खत्म हो गई। तो नहीं, ये सफाया इस बात को बताता है कि जानबूझकर यहां पर मुसलमान लड़कियों को ना लाया जाए। तो इसमें वो पाकिस्तान का एंगल आप जोड़िए, वो दाऊद इब्राहिम बैठा था पाकिस्तान में, वहां मुल्ला मौलवी सब थे कि किसी तरह वहां पर जो है मुसलमानों को हीरोइन मत बनने दो, और मुस्लिम लोगों को वहां पर प्रमोट करो, और वो काम उसने किया जब के।